खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के निर्देश पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल व युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के मुख्य आतिथ्य में युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष बंटी गरोटिया के नेतृत्व में पेट्रोलियम पदार्थ की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में नगर के देवगढ़ चौराहे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसलिए हमने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है और आगे भी कांग्रेस का डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विरोध लगातार जारी रहेगा। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आदेशानुसार पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला जलाया गया है। हमें आदेश मिला है कि सभी जिलों में पेट्रोल डीजल के विरोध में आपको विरोध प्रदर्शन करना है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर हमने पेट्रोलियम मंत्री का आज 8 पिपलिया देवगढ़ चौराहे पर पुतला जलाया। क्या मांग है? पेट्रोल डीजल के दाम वापस कम। आज युवक कांग्रेस का कार्यक्रम यह था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोल मंत्री प्रधानमंत्री ने जो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, उसका घोर विरोध करते युवक कांग्रेस और भाराचा के युवक कांग्रेस के द्वारा। सर, ये पुतला दहन किसका किया आप लोगों ने? ये पेट्रोल मंत्री का, केंद्र मंत्री। हार्ट पीपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।